सोच रहा है और बाद में भी इसका अगेंस्ट में और भी केस हो सकता है ये अगर पब्लिकली ये अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो। भावना को आहत करना, ठेस पहुंचाना नहीं था और किसी घटनाक्रम, किसी व्यक्ति या किसी संगठन को चोट पहुंचाना नहीं था। अगर चोट पहुंचता है, साइबर क्राइम में एक केस दर्ज किया है लॉयर कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए फेसबुक में एक पोस्ट लेके बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों व्यवहार किया है। जीडी नंबर ये आपका देख लीजिए, सेक्शन 500 में जो, ये तो बहुत सारे सेक्शन आ सकता है, सिर्फ ये अपमानजनक बात है नहीं, डिफामेशन। मेरा नाम आलोक धारा है, मैं सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो मेरा सामने एक घटना आया है, फेसबुक में एक पोस्ट लेके बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों व्यवहार किया है खगेंद्र शर्मा बोल के एक आदमी ने फेसबुक में। उसके बारे में बहुत सारे लॉयर जो है, पूरा लॉयर कम्युनिटी को टारगेट किया है, पता नहीं किस चीज़ के लिए उन्होंने किया है, लेकिन किया है। बहुत ही बुरा शब्द यूज़ किया उन्होंने नेपाली में, वो जो है फेसबुक पेज में आप देख सकते हैं। जो शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था, जो वर्ड्स यूज़ किया है बहुत ही आपत्तिजनक है, लॉयर कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए बहुत किया है, ये नहीं करना चाहिए। ये सोसाइटी में बहुत खराब जो है प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए इसका अगेंस्ट में हम लोगों का एडवोकेट लोग सब जो है, ये लोग सब साइबर क्राइम में केस दर्ज किया है। अच्छा, केस नंबर जरा बोल पाइए, कितना केस नंबर है? जीडी नंबर ये आपका देख लीजिए, ये लिखा है जो इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, पोर थिंग बियर ऑफ द कस्ट रेस बास्टर्ड हु इज ट्राइंग टू मेक हिज एडवोकेसी वर्क बाय मेकिंग वन ऑफ माय जर्नलिस्ट सिस्टर लुक लाइक द फीमेल बक बेबी गोट दैट इज अबाउट टू गेट सैक्रिफाइज्ड। व्हाट हैव यू मेजर्ड सो फार? नाउ यू कैन फाइल ए केस ऑन मी यू ब्रोकर। मतलब ये लॉयर लोगों को ब्रोकर बोला है, बहुत सारे जो कास्ट के बारे में, रेस के बारे में, जाति के बारे में बोला है, ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, ये कम्युनिटी के लिए सर्वनाक ये शब्द है, ये वर्ड्स है, ये इसका अगेंस्ट में साइबर सेल में केस किया है। पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द इसका एक्शन ले, क्योंकि लॉयर लोग बहुत इसके ऊपर सोच रहे हैं, और पुलिस को छानबीन करके इसका जो अकाउंट है साइबर सेल इसको देखेगा, इसका जो ऑथेंटिसिटी है, ये आदमी का खगेंद्र शर्मा का, इसका जो परिचय है उसको भी लाना चाहिए, ये क्यों बोला ये भी देखना चाहिए। अगर ये बोलता है तो ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। कितना क्या सजा हो सकता है कानून का हिसाब से? सजा इसके कौन कौन सा सेक्शन देता है इसको ऊपर डिपेंड करता है, अभी हाँ प्रूव होना चाहिए। सेक्शन तो अभी तक डाला नहीं, सेक्शन देख के पता चलेगा वो क्या क्या उसका पनिशमेंट आएगा। मुझे आज ही किसी जरिए से मालूम चला है कि एक FIR मेरे ऊपर किया गया है बोल के। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वो पोस्ट शायद 3-4 दिन पहले का था, और मेरे किसी मित्र के कहने या बातचीत हमारा हुआ था, तो उस जरिए से मैंने उस पोस्ट को शायद नेक्स्ट दिन डिलीट भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसका स्क्रीन शॉट से किस तरीके से किया वो नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि भारत गणराज्य एक न्याय प्रणाली के ऊपर टिकी हुई है, और न्याय प्रणाली की हर जो निर्णय होता है उसको सम्मान करना हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य होता है, और मैं भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते न्याय प्रणाली की कोई भी जो न्याय होती है या आज्ञा होती है उसको पालन करूंगा। अच्छा, क्या तो, ये आपने जो आप क्या मानते हैं कि आपने
गलती किए हैं या नहीं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए उस पोस्ट में मैंने किसी व्यक्ति विशेष, किसी घटनाक्रम या किसी संगठन को इंगित नहीं किया हुआ है। मैं एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते देखिए देश में आज के दिन में कितने प्रकार के घटनाएं वगैरह चल रहे हैं, और मैं कुछ लिखता वगैरह भी हूँ, और कभी कभी कुछ अपनी जो असंतुष्टि वगैरह होती है उसको जाहिर करने का तरीका, भावना में कुछ और होता है लेकिन जाहिर करने का तरीका और लिखने का तरीका में शब्द में एकाध इधर उधर हो सकते हैं। अगर इस चीज़ से किसी भी व्यक्ति या किसी घटनाक्रम या किसी संगठन को अगर ठेस पहुंचा है मेरे लिखने के तरीका से या मेरे भावनात्मक सोच से, उसके लिए मैं बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर खेद प्रकट करता हूं। अच्छा, सिलगढ़ी बार काउंसिल की तरफ से एक्सक्यूज या माफी मांगने का जो अपील किया गया है, क्या उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, आप माफी मांगना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर मैं यही तो बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति संगठन या घटना से अगर इस चीज़ को रिलेटेड हुआ है संजोग बस, और किसी के भावना को ठेस पहुँचा है, चोट पहुँचा है, तो उसके लिए बिल्कुल मुझे खेद प्रकट करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल तहे दिल से खेद प्रकट करता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध बिल्कुल नहीं रखता हूँ। सेना से रिटायर्ड हुए मुझे 9 साल हुआ है। मैं स्वतंत्र तौर में विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ के काम करता हूँ, आज भी आप मालूम कर सकते हैं। कुछ चाहे कोई भी जो चीज़ हो, समाज में चल रहा होगा या पॉलिटिक्स में चल रहा होगा, माइनर कमेंट्स वगैरह ये मैं कर देता हूँ, लेकिन किसी राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर अगर किसी ने अगर इस कार्रवाई में मेरी जो माइनर इस पोस्ट को अगर थोड़ा हाईलाइट करने की प्रयास किया हुआ है, तो उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके का शायद सही है नहीं है, वो लोग खुद जाने। बाकी अंतिम में एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा पोस्ट था, मेरा जो विचार, मेरी सोच किसी के भावना को आहत करना, ठेस पहुँचाना नहीं था, और किसी घटनाक्रम, किसी व्यक्ति या किसी संगठन को चोट पहुँचाना नहीं था। अगर चोट पहुँचाए तो और एक बार तहे दिल से मैं खेद प्रकट करता हूँ।